बहुत दिनों बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। और अभी मेरा चल रहा है 9 मंथ यानी 36 वीक जो है स्टार्ट हो गया, नहीं हाँ तो मेरा 36 वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और मेरा जो टमी है कुछ इस तरीके का लग रहा है। मैंने यहाँ सोचा था एक बेल्ट लगाने का, बट तो ये हिस्सा जो है ऑलमोस्ट खाली हो चुका है और यहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अब कोई भी काम करना, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियों पे चढ़ते हो, झुक झुक कर काम करते हो। बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और हर एक चीज़ कर लेती हूँ। एंड यहाँ मेरी मदर इन लॉ जो है अभी आई हुई है, तो मैं नहीं दिखा रही उनका उतना, मतलब हो जाता है क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोगों का गॉसिप ज़्यादा चल रहा है, बातचीत चल रहा है, तो इस चक्कर में व्लॉग बनाने ही भूल जाती हूँ, पता नहीं। तो नीरव अभी नीचे से घूम कर आया है, बहुत ही खेल कूद कर आया है अपनी दादी के साथ, तो इसको नहलाना अभी बाकी है। एंड यहाँ भी मेरा जो है एक पार्सल आया है नायका से, अभी नायका से मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे तो वो आया है, तो मैं सोच रही हूँ खोल के देखती हूँ, अभी जस्ट ही आया है एक्चुअली, तो सीजर लेकर आ गई, सीजर से खोलते हैं। ये नीरव जो है दादी का दवाई लेकर खेलता रहता है, कभी खाता नहीं है ना। इस बार की जो पैकेजिंग है वो बहुत ही सी है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो है मेरी ज़्यादा ही चल रही है। तो क्योंकि मैं अभी हर जगह जाने के मूड में नहीं रहती हूँ, तो इस वजह से सो लेट्स सी। तो इनकी जो डिलीवरी होती है बहुत फास्ट होती है नायका की, तो कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट हो, स्किन केयर, मैं सब कुछ जो है नायका से ही लेती हूँ और किसी से नहीं करती हूँ मैं। इतने सारे बबल रहती है वहाँ के अंदर, ओ गॉड, प्रोडक्ट इतना नहीं है जितना बड़ा उन्होंने इस बार बॉक्स दिया है। रख दो बेटा दादी का, दादी का रख दो, रख दो दादी का दवाई हो। तो ये एक मैंने मिस क्लेयर का लिपस्टिक मंगवाया है और शेड नंबर है 58, तो इसका मैंने रिव्यू बहुत दिन से देखी थी बट लिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो और जब मैं नेक्स्ट टाइम पहनूंगी इसको लगाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ये 295 का था आई थिंक। तो ये बेबी डव बॉडी वॉश है, ये नीरव के लिए है, तो हमारा भी ख़त्म हो गया था और यहाँ आसपास मिलता नहीं है लोकल स्टोर से, इसलिए मैंने जो है नायका से लिया है। ओहो, खुल जा भाई। ये वाला एलोवेरा जेल मैंने कभी नहीं ट्राई किया है और इसका भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यूज करते हुए, मतलब इसका रिव्यू मैंने काफ़ी अच्छा सुना है। ये है 99% प्योर एलोवेरा जेल, तो ये मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं, मैंने कभी नहीं ये ट्राई किया इससे पहले। और इसका प्राइस था आई थिंक, प्राइस तो 299 है बट डिस्काउंट करके मुझे पता नहीं कितने का था, डिस्काउंट था इस पर। और ये भी मुझे पड़ा 145 रुपीज़ का लैक्मे का। ये मुझे एवरी डे के लिए बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगाना, अभी मैंने लगा रखा है मेबलिन का फाउंडेशन और ये सर्दियों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो बहुत ज़्यादा ये ड्राई कर देता है, तो मेरा स्किन ऑलरेडी अभी बहुत ड्राई है तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है, तो ये स्किन मतलब ये अभी विंटर के लिए जो है वो बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि ये भी मंगवा। नीरव क्या खा रहा है, क्या खा रहा है नीरव, बोलो। केक, केक कैसा लगा, केक अच्छा, कैसा लगा फिसोर, कैसा लगा केक, अच्छा अच्छा, अच्छा कैसा लगा, अच्छा अच्छा लगा बेटा को केक। नीरव को ग्रेप्स अच्छा लगता है, यच यच यच, ये कौन सा यच। तो अभी मम्मा और बेटा खा रहे हैं, मम्मा और बेटा अभी क्या खा रहे हैं, बोलो ग्रेप्स। चलो मम्मा के पास, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हे गाइस, सो अभी मैं धूप में हूँ और इतना अच्छा लग रहा है धूप में बैठे हुए,
मैं थोड़ा सा धूप सेक रही हूँ। नीरव जो है, नीरव अभी खेल रहा है साइकिल से, और बहुत ही कम नीरव होता है जब साइकिल चलाता है, बहुत कम। सी दिस बॉय, हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। सी दिस बॉय कितना मासूम लग रहा है ना, कितना मासूम लग रहा है ना, पर एक्चुअली मैं है नहीं। और इतने सारे जो मेरे निशान दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये है, और यहाँ भी है, सारा नीरव का दिया हुआ है सच्ची में। और मेरी आँखों से आंसू आ रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो नहीं सकती। नीरव जो है अभी सो के उठ गया, सो के उठा है ना, हंस रहा है। अब क्या खाएगा नीरव, मक्खन?